यहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो एक्सरसाइज 1.3 में प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और कंप्लीट कर लें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? तो आप लोग देख लो, क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या गिवन है और हमसे क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई वी एन इनवर्टिबल फंक्शन। तो यहाँ पर आपको मैपिंग दिख रही है, मैपिंग में फंक्शन एफ है, तो बोला है पहले से ही इनवर्टिबल फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको गिवन बता दिया गया है कि एफ जो फंक्शन है वो क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, और हमसे क्या मांगा गया है, सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। तो यहाँ पर बता दिया गया है, आपको प्रूव करना है जो फंक्शन एफ है यूनिक इनवर्स प्रूफ करना है। इसका मीन्स है यूनिक इनवर्स का कि आपको दो फंक्शन लेना है, इसके अदर ही लेना है। जैसे यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, इसके अदर दो फंक्शन ले लेना है, यूनिक इनवर्स आपको समझा रहे हैं। तो आपने जी और एच दो फंक्शन ले लिए, दो फंक्शन से मैपिंग बना लेना है, और आपको ये भी दिख रहा है इनवर्स। तो जब एफ कि दो मैपिंग आपको लेना है, लेकिन इनवर्स लेना है, वाई पहले लिख देना है और एक्स बाद में, इंटरचेंज करते हैं इनवर्स में, ठीक है? फंक्शन जो भी मैपिंग है, इसी मैपिंग में ही आपको इनवर्स फंक्शन दो लेना है और यूनिक इनवर्स प्रूफ करना है, ठीक है? कैसे, जी इक्वल एच, ये आपको प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैपिंग लिखना है। जैसे आपको हमने बताया था एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो कर लेना। तो एक्सरसाइज 1.2 में यही आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, मैपिंग, फिर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर मैपिंग गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको ये भी पता है एक्सरसाइज 1.3 अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना है, ठीक है? जब एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी तभी आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैपिंग ही लिखना है। तो आप लोग इसका सॉल्व देखो, द गिवन मैपिंग। तो आप लोग देख लो मैपिंग, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यही आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे बता दिया गया है कि ये मैपिंग जो है, जो फंक्शन है वो क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। तो आपको ऐसे लिखना है, वी एन इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, जैसा हम यहां पे लिखेंगे वैसा ही आप लोग लिखना, ठीक है? कम ना करना, कंजूसी ना करना, जितना हम यहां पे लिखें उतना ही आपको लिखना है सॉल्व में। अगर आपने कम कर लिया थोड़ा बहुत तो हम ये वादा करते हैं आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। अगर जितना हम लिख रहे हैं उतना लिखो, अगर आपने थोड़ा शॉर्ट लिखा तो आपके नंबर भी शॉर्ट ही आएंगे, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं जितना लिखें उतना ही लिखो, ये मेरा आपसे वादा है, आपके ही 100 में 100 मार्क्स आएंगे मैथ इंटर में। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फंक्शन एफ है इनवर्टिबल फंक्शन है, फिर आपको दो फंक्शन लेना है, एक लेना है जी और एक लेना है एच। तो कैसे लिखोगे, देन विल बी टू इनवर्स फंक्शन, ऑफ एफ, ठीक है? जी और एच आपने क्या लिए, दो इनवर्स फंक्शन लिए। तो आपको मैपिंग कैसे लिखना है देख लो आप लोग। जब आपने जी फंक्शन से मैपिंग लिखी तो हमने बताया था इनवर्स में क्या होता है, जो बाद वाला सेट है पहले लिखना है, पहले वाला सेट बाद में लिखना है, वाई टेंड्स टू एक्स लिखना है, ठीक है? फिर एंड अब आपको फंक्शन एच में एक मैपिंग लिखना है, इनवर्स ही लिखना है। तो एच सच दैट वाई सेट पहले लिखना है और एक्स सेट बाद में लिखना है, तो वाई टेंड्स टू एक्स, ठीक है?
और यहाँ पर आपको गिवन बता दिया गया है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर ये एफ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है तो आपने पहला वीडियो देखा होगा एक्सरसाइज 1.3 का, तो उसमें हमने यही बताया अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो आपको पता है कि फंक्शन एफ क्या होगा, 1-1 एंड अन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जी एंड एच, 1-1 एंड अन टू फंक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो जी और एच क्या होंगे, 1-1 एंड अन टू फंक्शन होंगे। अब आपको फार्मूला लिखना है, 1-1 के लिए आपको पता है कैसे लिखोगे, जी के पास में वेरिएबल क्या है, बाई है, मीन सेट बाई है, तो आपको 1-1 के लिए फार्मूला जी वाई वन इक्वल जी वाई टू, ठीक है। अगर जी 1-1 फंक्शन है तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, जी हटा देंगे, यही तो आपने सीखा था। अगर जी क्या है, 1-1 फंक्शन है तो आपको फार्मूला यूज करना है और दोनों साइड से जी हटा देना है, क्यों, जी अगर 1-1 फंक्शन है तो जी हट जाएगा, यहाँ पर बाई वन है तो बाई वन लिखना है, यहाँ पर बाई टू है तो बाई टू आप लोगों को लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर एवरी वाई वन कमा वाई टू, ये किस में बिलोंग करेंगे, दो एलिमेंट, पहला जो सेट है 1-1 के लिए हम यूज करते हैं, तो 1-1 के लिए जब आप पहला सेट यूज करते हो, आपको हमने बताया था एक्सरसाइज 1.2 में 1-1 के लिए पहला ही सेट यूज करना है, तो यहाँ पर बाई है तो यहाँ पर बाई आपको लिख लेना है, ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। अब आन टू के लिए लिखना, आन टू के लिए कैसे लिखोगे, एक्स इक्वल जी वाई एंड एक्स इक्वल जी वाई, ठीक है, इसे इक्वेशन 5 डालो। आपने दो फार्मूले लिखे 1-1 एंड आन टू के, क्योंकि जी क्या है, 1-1 एंड आन टू फंक्शन है, तभी आपने ये फार्मूले लिख लिए। अब आपको ऐसे एच फंक्शन से लिखना है, 1-1 के लिए फार्मूला और आन टू के लिए लिख देना है, देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर बाई है तो कैसे लिखना है, एच वाई वन इक्वल एच वाई टू, ये तो फार्मूला है। अगर एच क्या है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है, तो एच दोनों साइड से हटा देना है, तो वाई वन इक्वल वाई टू, तो फॉर एवरी वाई वन कमा वाई टू, ये दो एलिमेंट किसमें बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है उसी में बिलोंग करेंगे, क्योंकि 1-1 के लिए पहला सेट यूज करते हैं, जो हमने आपको बताया है एक्सरसाइज 1.2 में, ये कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ये फार्मूला हो गया 1-1 के लिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आन टू, आन टू के लिए क्या होता है, एक्स इक्वल एच वाई आपको लिखना है, एंड करके आपको लिखना है एक्स इक्वल एच वाई, ठीक है, और यूनिक इनवर्स के लिए आपको जी इक्वल एच फंक्शन दिखा देना है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर देखो इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको ये भी पता है इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल जी वाई है, इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स इक्वल एच वाई, तो एक्स की आंसर शीट जी वाई है और एक्स की आंसर शीट क्या है, एच वाई है, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, इक्वल ही कर देंगे। देखो आप लोग, तो क्या लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या लिखना है, जी वाई इक्वल एच वाई, जी वाई इक्वल एच वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाई जो वेरिएबल आपको दिख रहा है दोनों साइड में सेम टू सेम दिख रहा है, तो वेरिएबल वाई हटा दो, तो जी इक्वल एच, ये आपको रिलेशन दिखाना है यूनिक इनवर्स के लिए, तो आपको लिख देना है लास्ट में, यही लिखना है एफ हैज यूनिक इनवर्स, तो यहाँ पे लिख दो एफ हैज यूनिक इनवर्स, इतना आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन 10 में, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट हम बता देते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, इतना याद रखना। आप क्या करो, पेन से कॉपी पे नोट करते रहो, ये मेरा आपसे वादा है, जब पेन से कॉपी पे नोट करते रहोगे तो बुद्धि का विकास होगा, जब बुद्धि का विकास होगा तो हम ये वादा करते हैं आपसे कि आपके ही मैथ में
100 में 100 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 में जितना सॉल्व बताया है इतना ही लिखना है, कम ना करना है, क्योंकि अगर आपने कम यहाँ पर थोड़ा बहुत कम कर दिया, शॉर्ट किया, तो आपके शॉर्ट ही नंबर आएंगे। जितना हमने लिखा है आप लोग देख लीजिए, इतना ही आपको लिखना है। अगर इतना आपने लिखा, हम ये वादा करते हैं आपके ही मैथ इंटर में 100 में 100 मार्क्स आएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 11 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम पता ही आपको।